सभी को रूबरू कराऊंगा एक, मतलब क्या बोलूं, देखिए लोम खड़ा हो रहा है, जिसका वीडियो देख के ऑल इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और डे नाइट उड़ाने में सबसे माहिर एक नंबर खिलाड़ी, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। तो ये हम लोग खुशनसीब है, मैं इस छत में आया हूँ और अब तब भाई का ये यूट्यूब चैनल से वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले दिल थाम लीजिए, रूबरू कराऊंगा उस उस्ताद को, उस शख्सियत को, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और कबूतरबाजी में उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है और सभी उस्ताद को रेस्पेक्ट है, लेकिन इस उस्ताद का कुछ अलग रुतबा है। तो आइए दिल थाम लीजिए, पहले उन उस्ताद को देख लीजिए, बाद में करूँगा। ये हमारा दिल अजीज उस्ताद। उस्ताद जी राम राम। राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम सभी भाइयों को। और उस्ताद जी, इस यूट्यूब वीडियो में क्या संदेश देना चाहते हैं जो हम लोगों का व्यूअर्स है? संदेश ये है, आफ्ताब भाई, अपने उल्लास भाई, अपने सारे भाई आए हुए कलकत्ते से, तो पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है मेरी छत के ऊपर, अपनी दिल्ली के ऊपर। तो सभी भाइयों को दिल से सलाम है भाई सभी को। और सबसे बड़ी बात यह है व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ, जो प्यार है ना हमारा आफ्ताब भाई का, उल्लास भाई का, बहुत ज़्यादा है। तो ये तारीफ भी कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं फिर मेरी। नहीं उस्ताद जी, जो हकीकत वही है। तो बाकी तो खिलाड़ी सभी बड़े हैं, लेकिन आज मैं इनको अपने कबूतरों का शौक ज़रूर कराऊंगा। और मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था दोनों भाइयों का कि आए मेरे पास, क्योंकि पिछली बार भी आए थे तो थोड़ा टाइम नहीं था, तो टाइम की कमी थी, लेकिन इस बार ये आए हैं मेरे पास, तो इनका वेलकम है, दिल से वेलकम है भाई। उस्ताद जी, जो अभी आप दिखाने वाले हैं बाद में मैं बोलता हूँ, पहले इसका मतलब वही कबूतर क्यों दिखाना चाहते हैं हम लोगों को, वो थोड़ा सा बता दीजिए भाई। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जोड़े हैं, जो मैं जोड़े डालता हूँ कबूतरों के, उल्लास भाई पकड़ना, अफ्ताब भाई पकड़ना, ये जोड़े मैंने डाले थे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये देखो, ये सफ़ेद जर्चा जोड़ा है। और इनकी मैंने क्वालिटी बताई थी कि इसमें क्वालिटी क्या है, इसके पंजे भी देखो, सब देखो, जो इसके जोड़ों के बारे में मैंने बताया आपको कि इनके जोड़ ऐसे हैं, इनसे धागा नहीं निकल सकता, बिल्कुल बंद जोड़ के कबूतर है मेरे, तो इन्हें चेक कर सकते हो आप, तो भाई भी चेक करेंगे, आप लोग आए हो, आप चेक करो, अगर मेरी कहीं बात झूठ लिखते तो बताओ। नहीं, मैं तो चेक कर लिया पूरा एकदम आपका बात भाई पे, मादीन है आप, तो भाई ये नर चेक करो, ये आपका भाई, जोड़े होते हैं ना, जोड़े मेन चीज होते हैं शौक के अंदर, जोड़े बनाना, क्योंकि जब तक पैदा है वाइस पीछे से नहीं आएगी, अच्छी नस्ल नहीं बनेगी आपके पास, तो आप आगे कैसे उड़ाओगे कबूतरों को। तो ये आप देखो, आफ्ताब भाई बताएंगे इस बात के बारे में। ये आफ्ताब भाई देखिए, सबसे पहली बात तो पंजाबी कबूतर का नॉलेज मुझे उतना है नहीं, मगर जिस तरह उस्ताद ने बताया उस तरह का कल भी फॉलो किया, आज भी देखने को मिल रहा है, एक सूता भी इससे पास नहीं होगा, समझ में आ रहा, मगर कबूतर देख के समझ में आ रहा है, बहुत ही अलग नया परिंदा है, बहुत कम देखने को मिलता है, नस्ल के ऊपर भी बात है, ब्लड लाइन है, तो साथ जी का जो कबूतर है वो नस्लदार कबूतर है। अभी हम लोग का बंगाल का और एक पुराना खिलाड़ी, मेरा रेस्पेक्टेड दादा है, हम लोग बंगाली में दादा बोलते हैं उस्ताद जी, तो आज हम उस्ताद का पास आए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ख्वाहिश था दिल्ली कभी जाएंगे हम, तो इस चलते प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चलते हम आ गया। तो अजय उस्ताद जी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी हम जो कबूतर देखा है और कल जो वीडियो में उस्ताद जी जो बतलाए, जैसे वो कबूतर का पार देखिए, देख लीजिए, एकदम सेम है जो बतलाया मुंह से, एकदम देखिए हमारे हाथ में है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा व्यूअर्स को, देखिए ऊपर का कली से पूरा बगल का पर, देखिए एकदम सेम, बराबर हाइट पे जैसी बतलाए, तो एकदम सेम हम खुद हाथ में लेकर आए। और उस्ताद जी जो बता रहा था जोर के बारे में बताइए, जोर जो उस्ताद जी कल बतला था जी, अंदर में जो एक धागा निकालने के बाद बोल रहा था, जो जोड़ काटे एकदम बंद होना चाहिए, जिससे अंदर एक धागा भी नहीं जा सकता, इससे क्या है कबूतर का उड़ान बहुत मजबूत होता है, उस्ताद जी का कहना है, ये बात सही है, क्योंकि मैं 2 साल कबूतर उड़ा है, ज़्यादा नहीं उड़ा है मगर अच्छा ही उड़ाया है, 14 घंटा भी हम उड़ा सका है, क्योंकि ज़्यादा कबूतर मेरे पास नहीं था, तो इसी चलते अब देखिए इसका आँख का शौक करिए। ओहो, कच्ची पिलिया बहुत बेहतरीन। और आँख का फुदली देखो कितना छोटा बारीक, अभी और एक हमारा सीनियर खिलाड़ी बंगाल का,
शोइबल अंकल मौजूद है उस्ताद जी के छत में। अच्छा लग रहा है दादा? अच्छा लग रहा है। अजय उस्ताद जी हमारा लिए माहिर है, जो पायरा रखा है ना बहुत अच्छा पायरा है, कबूतर बहुत अच्छा है। और एक कबूतर खिलाड़ी आरिफ भाई, ये भी आया है शौक देखने, शौक कर रहा है। अभी उस्ताद जी के पास आता हूँ। उस्ताद जी मेरा एक सवाल है, ये जो जोर कट्ठी जो बंद होना चाहिए बोल रहे थे, इसका खूबियाँ बताइए और इसका क्या देख के आप मतलब क्या समझ में आता है जोर बंद क्यों होना चाहिए? उल्लास भाई देखो कबूतरबाजी मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ऐसी किताब है इसे हर कोई आदमी नहीं पढ़ सकता है। सही है, क्योंकि 1964 से मेरे घर में कबूतर है, मेरे पापा भी कबूतर पालते हैं, अभी भी आज भी उनके पास देसी कबूतर है उनके। और ज्ञान देखो हर आदमी को है, मैं नहीं कह रहा कि हमें ज़्यादा है, लेकिन मेरे से हिंदुस्तान का कोई भी उस्ताद या हिंदुस्तान से बाहर कोई भी उस्ताद मेरे से आके जोड़ेबाजी के बारे में डिबेट कर सकता है। मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो चीज़ मैं बताऊँगा अगर वो उस चीज़ को साबित गलत कर दे उसका रिजल्ट ले, जोड़े हम अपने हाथ से लगाएंगे उन्हें रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि जोड़ेबाजी बच्चों का खेल नहीं है, उड़ा तो कोई भी लेगा कबूतर। सही है, ये नस्ल और असल का खेल है। इसका मतलब है जोड़ा बिठाना बच्चा उठाना सबसे बड़ा कबूतरबाजी का मेन पिलर है, क्योंकि अगर अच्छे कबूतर आप अच्छे जोड़े रखोगे तभी तो अच्छे कबूतर उड़ा पाओगे। और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई भी उस्ताद मेरे से डिबेट कर सकता है इस बारे में। मैं किसी उस्ताद को छोटा नहीं कहना चाहता, ना किसी भाई को ना किसी खिलाड़ी को, मेरी नज़र में सब बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जो चीज़ है वो है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बात एक है कि देखो कबूतर तो सभी भाई रखते हैं, लेकिन इनकी डाइट, इनकी खिलाई पिलाई कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वैसे कबूतरबाजी करनी है तो वो एक अलग मैटर है। अब जैसे मेरा ये कबूतर आया है, मैंने कल वीडियो में कहा था कि इसकी 9वीं 10वीं कली बराबर है, ये आप देखो अपनी आँखों से देखो 9वीं 10वीं कली बराबर है या नहीं है। ये देखो बराबर है। लोग कहते हैं कि 9वीं 10वीं कली बराबर नहीं होती, मेरे ज़्यादातर कबूतरों की 9वीं 10वीं कली बराबर है, जो जोड़े में मैंने कबूतर डाल रखे हैं। ये देखो एकदम देख लीजिए व्यूअर्स, 9 कली और 10 कली बराबर है। मैंने ये कबूतर कल भी दिखाया था, देखो एकदम प्योर माल भाई, प्योर माल भाई है प्योर। ये इसके पंजे देखो आप। वैसे जी और एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ, बुरा मत सोचिएगा, थोड़ा सवाल ज़्यादा कर लेता हूँ। आप तो पहले माल मद्रासी पलते थे, अभी पूरा 100% आपने मालवाई कर लिया, इसका कारण क्या है, क्या अंतर लगा आपको ये दोनों परिंदे के अंदर? देखो मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कबूतर का, क्योंकि हमें उड़ाने का शौक है, हम कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग हैं, कि कंपटीशन होता है तभी हमें शौक में मजा आता है। ये कबूतर एक एक करके बैठता है, मद्रासी कबूतर क्या है ज़्यादातर एक साथ बैठ जाता है, टुकड़ी में बैठ जाता है। तो ये कबूतर इसमें उड़ान मद्रासी कबूतर से ज़्यादा है। जब भी कभी गर्मी पड़ेगी, गमक होगा, गमक बोलते 42-43-44 टेम्परेचर होगा, तो ये कबूतर उसमें उड़ जाएगा, मद्रासी कबूतर उसमें नहीं काम करेगा। इसमें ये फ़र्क है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं, वो गर्म कबूतर है, ठंडी में ज़्यादा, वो जो ब्लड लाइन है वो अलग है। लेकिन जो ये जो ब्लड लाइन है, इन्हें जिन उस्तादों ने बनाया है भाई, उन्हें सलाम है मेरी तरफ से, उनका आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे उस्तादों का जिन्होंने इस ब्लड लाइन को बनाया, क्योंकि ये इसे बच्चा भी उड़ा सकता है। ये कहाँ से बना है, उसका थोड़ा हिस्ट्री बता दीजिए भाई। ये वैसे तो पंजाब से ही, ज़्यादातर पंजाब से ही जो है चला है कबूतर, बाकी तो हिंदुस्तान है अपना, हिंदुस्तान में सब सारी नस्लें बनी हैं, सारे कबूतर बने हैं, बड़े बड़े उस्ताद आए हैं, बड़े बड़े उस्ताद चले गए, हम भी उनके पैर की धूल हैं एक तरीके से आपको बताएं। आज जिस मुहिम पर हम बैठे हुए हैं, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये उन्हीं के कबूतरों की वजह से है, क्योंकि अगर वो इनमें नस्लें नहीं बनाते तो आज शायद हमें हमारा नाम हो नहीं पाता इतना, नाम इतना उड़ा पाते, क्योंकि ये पंजाबी कबूतर में 90% खुद ही उड़ान देता है अपनी, 20% की जो इसमें उड़ान है वो कबूतरबाज की समझदारी है, कि खिलाड़ी के अंदर क्या समझदारी है, वो किस हिसाब से अपना कबूतर उड़ाए। उस्ताद जी मैंने एक वीडियो देखा था कबूतरबाजी के बारे में, नहीं दूसरा वीडियो, के बोल रहा था कि आप जितना तरक्की कर लो जो भी कर लो, पैर आपको ज़मीन में होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बात आपने कहा कि आज मैं इतना सक्सेस हूँ, कुछ आदमी कबूतर उड़ा के, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, कबूतरबाजी में कुछ आदमी उड़ा के मैं कर लिया, लेकिन आप इतना रिजल्ट, इतना कुछ करने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद भी बोल रहे हैं शायद ये मेरा करिश्मा नहीं है, उन लोगों का देन है। उन लोगों का देन बहुत बड़ी।
तो ये उस्ताद जी कबूतरबाजी के अलग एक पहचान, इसलिए आपको मैं बताता हूँ, एक अलग उस्ताद है आप, इसलिए इतना रिस्पेक्ट आपसे होता है। उल्लास भाई देखो, मैं तो किसी में भी आ सकती है, और हम लोग खानदानी कबूतरबाज हैं। ठीक। और हम लोग जो खानदानी कबूतरबाज, हम इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं कबूतरों से, क्योंकि देखो पीछे से नस्ल जिसने बनाई है उसका हम शुक्रिया नहीं करेंगे फिर किसका करेंगे। आज अगर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोगों के पास ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, उड़ा दो कबूतर और उस्ताद बन जाओ, उस्ताद ऐसे नहीं बना जाता भाई। उस्ताद किसी को आप अगर छोटा दिखा के उस्ताद अपना आपको बड़ा बता रहे हो तो आप ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। ठीक, ये आपको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। उनका जो शागिर्द है वही लोग इसको छोटा दिखाएगा कुछ दिन बाद। हाँ, वो कल उसे भुगतान करना पड़ेगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ। और कबूतर उड़ाने की बात है, कबूतर तो देखो कोई भी उड़ा सकता है, कबूतर उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है कि कबूतर उड़ाना बड़ी बात है। अरे जाओ कहीं भी अपना अच्छे खिलाड़ी से अटैच हो जाओ, अपना कबूतरबाजी उड़ाना ही तो है, कम ज्यादा कुछ तो उड़ेगा उड़ेगा, तो कबूतर बनाना बड़ी बात है। सही बात है, मेन पिलर वही है, मेन पिलर वही है, कबूतर बनाना बड़ी बात है, उड़ा तो कोई भी लेगा। अब हमारा जो कबूतर 24 घंटे उड़ा है, एक 29 घंटे उड़ा है कबूतर, ले गया बेटा दोनों दिखाइए, वो दोनों दिखाइए, वो दोनों मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ। अब लोग कहते हैं जी मैं तो, अच्छा उस्ताद जी मैं और एक चीज बताता हूँ, ये जो 24 घंटा 29 घंटा उड़ा है, इन कबूतर का कुछ अलग पार्ट्स या कुछ आपको समझ में आया कि इन कबूतर क्यों इतना ज्यादा उड़ा है? मैं वही चीज उसी चीज पे आ रहा हूँ उल्लास भाई। ये कबूतर लोग कहते हैं कि 20,000 का 30,000 का कबूतर लाउड़ा, ये मैंने 850 रुपये में, जीतू भाई है मेरे, उन्होंने भिजवाया था मेरे पास, ये 850 रुपये में मैंने खरीदा ये कबूतर, ये जो 24 घंटा उड़ा ये कबूतर है, ये 24 घंटा उड़ चुका है कबूतर, देखिए पूरा चिट्टी आँखों में, ये गोल्डन छल्ला इसे बोलते हैं, ये इसका, ये मेरा घर का कबूतर नहीं है, ये मुझे जो मैंने खरीदा उसमें से अपने जीतू भाई ने 850 रुपये का मुझे दिया था, ये 24 घंटे उड़ा कबूतर, यहाँ देखा बेटा ये मेरे घर का ब्लड लाइन है, ये कबूतर 29 घंटे उड़ा, मतलब घर का क्या, ये मैंने पंजाब से मंगाए थे उन्हीं का, ये बड़े कबूतर, हाँ ये 29 घंटे उड़ा कबूतर, ये गर्मी में भी उड़ेगा इसलिए, गर्मी में 5:30 बजे बैठा था जिस दिन मैंने शिफ्ट गाड़ी जीती थी उस दिन, 5 लाख रुपए वाला है ना, अभी भी तैयारी चल रहा है गर्मी में उड़ाने के लिए, उड़ेगा ये उल्लास भाई, ये उड़ेंगे, उड़ने के लिए तो है ही, नहीं नहीं मैं पटपुटाई किया है ना गर्मी में उड़ाने के लिए, गर्मी में उड़ाने के लिए, नहीं ये दोनों कबूतर को अंतर क्या लगा उस्ताद जी, और जो कबूतर है आपका घर में 200 कबूतर है, कुछ अंतर ढूंढने को मिला आपको? अंतर इनमें ये है, ये देखो कबूतर तो सभी अच्छे हैं मेरे पास, वैसे तो लोगों के पास होते हैं यार, सबके पास होते हैं जो कबूतर रखता है, 2-4 कबूतर सबके पास खराब भी होते हैं, लेकिन इनमें मुझे जो अंतर नजर आया इनमें उड़ान ज्यादा है और कबूतरों के मुकाबले, ये पीछे से कहीं ना कहीं अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर है, क्योंकि पंजाबी कबूतर के अंदर ब्लड लाइन बहुत ही बहुत मायने रखता है, अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है तो ये लगा लो आप 90% तो आप जीत चुके हो, अगर आपके पास ब्लड लाइन आपको अच्छी नहीं मिली है। हाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके YouTube चैनल से, आप सब भाई माध्यम से, कि जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा बड़ा कबूतरबाज होता है, वो अपने अच्छे कबूतर कभी नहीं देगा, चाहे आप 10 लाख रुपए लगा दो जोड़े के, 15 लगा दो, जब भी आपको कोई कबूतर मिलेगा प्यार में मिलेगा, मोहब्बत में मिलेगा, और ये सारी ब्लड लाइन चली है पंजाब से ही। मेरे एक दोस्त हैं उस्ताद सुखदेव जालंधर वाले, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था, मैं जाता रहता हूँ उनके पास, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत कप जीत रखे, उनके घर में भी कप रखने के लिए जगह नहीं, मैंने उनके कबूतर देखे, मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया यार, क्या कबूतर है इनके लोगों के पास, 20-20 साल पुरानी नस्लें, 25-25 साल पुराने कबूतर, जो लोग देखने के लिए नसीब नहीं होते उन लोगों के पास है। उन्होंने मुझे कबूतरी की गिफ्ट करी थी, हरी कबूतरी, वो अलग ही नज़र आती है मेरे, दिखाइए उसको, दिखाइए बेटा लागे, बड़ी अलग ही नज़र आती है। एक लाल कबूतर भी उन्होंने दिया था, वो मेरे पास पेड़े में आ गया कबूतर, लेकिन बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, और पंजाब में मैं आपको बता रहा हूँ 90% नस्लें पंजाब से, और पंजाब के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सही बात है, कबूतरबाजी को लेके वैसे बाई नेचर भी, मेरे एक दो चार यार दोस्त भी मैं जाता हूँ, बड़ी इज्जत करते हैं, मैं तो साल में 2-3 बार जाता हूँ उस्ताद जी, बहुत अच्छा, देखो जहाँ प्यार मिले आदमी का जाने का मन करेगा, ये मादी है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी, देखो क्या मादी है उल्लास भाई, क्या बात है, इसको फेदर दिखा दीजिए एक बार, हाँ फेदर फेदर, हाँ
देखो इसके भी नौवीं दसवीं गली बराबर है। हाँ 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 तीनों पर ये थोड़ा सा बड़ा है, तीनों पर समान है। हाँ ये सारे पर इनके लाइन से देखो सब बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट है। ये देखो ये सेम है बिल्कुल बिल्कुल। इसकी दुम देखो कितनी अच्छी है, ये दुम होनी चाहिए कबूतर की। तो लाज भाई बाकी तो मेरा यही कहना है कि जो भी उस्ताद हैं अपने शागिर्दों को भी इसको सिखाओ, क्योंकि वो सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपका नाम होगा। अपने कबूतर उड़ाने से आपका नाम नहीं होगा। सही बात है, अपना कबूतर उड़ाओगे शागिर्दों के नहीं उड़ाओगे तो कहाँ नाम। उस्ताद जी अभी तो बहुत खुश होता हो कि आपका पार्टी भी बंगाल में बहुत अच्छा नाम कर रहा है, पीकूदा बहुत हार्डवर्क कर रहा है और एकदम शर्म मतलब इतना चुपचाप रहता है, दिखावा नहीं करता है। पीकू भाई जो हमारा खलीफा है वहाँ पे बड़ा बढ़िया बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी की बुराई में नहीं है, नहीं अपना है। वो बस उसे अपना शौक करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। हाँ। पार्टी के लिए बहुत मेहनत करता, बहुत मेहनत कर रहा है और आप लोगों की भी बड़ी इज्जत करता है भाई। जी 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 उल्लास भाई बड़ी इज्जत करता आप लोग। उस्ताद जी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था पीकूदा के साथ, उसके बाद वो तो हम लोग निपटा लिया, बाद में आपके साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो भी हम लोग निपटा लिया, ये तो होता रहता है, तो कबूतरबाजी में चलता रहता है। लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान यार। आज आप लोग आए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा दिल जो गदगद गदगद हो गया है। हम लोगों का खुश नसीब है उस्ताद जी आपके पास आया बैठ के रूबरू और इतना जान पहचान और इतना कबूतर का नॉलेज मिल रहा है। मालभाई कबूतर मेरे पास उस्ताद जी एक भी नहीं है, लेके जाओ जो चाहिए वही तो लेके जाऊंगा। आदमी बोलता है कि उस्ताद जी नहीं देगा, मैंने बोला उस्ताद जी के पास आ जाऊंगा तो जो भी चाहिए ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायने नहीं रखता यार कबूतर, क्या मायने रखता है कबूतर तो और आ जाएंगे भाई, प्यार मोहब्बत ये थोड़ी रोज रोज आती है। सही बात है, सही बात है। कबूतर कबूतरबाजी में यही रहेगा उस्ताद जी, अगर अच्छा चीज बोलेंगे तो यही चीज है। अरे क्या है कबूतर, कबूतर तो आदमी जब मर्जी बना ले, हुनर होना चाहिए बनाने का। हाँ, जी जी जरूर बात सही, हुनर होना चाहिए। और उस्ताद जी एक मैं अभी वीडियो बनने से पहले बोल रहा था, नवम्बर या दिसम्बर में हम लोग बंगाल में हम लोगों का एक एसोसिएशन है, हम लोग बात करेंगे आपके साथ एक फ्रेंडशिप, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं, माला पहनाने का या मिठाई खिलाने का, आप तो आएंगे बिल्कुल, बिल्कुल प्रोग्राम में तो आएंगे तो उस टाइम हो जाएगा बात करने से। इधर से 51 या 55 आप उड़ाएंगे, नो लिमिट, नवंबर या दिसंबर में आप डेट में उड़ाइए। उधर तो पीकूदा है, कोई भी उड़ाएगा हम लोगों के अंदर, कोई नहीं पीकूदा उधर जा सेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर उड़ाने आप जब उड़ाएंगे आप तब भाई खुद आ जाएगा, बात हो जाएगा, अच्छा शौक हो जाएगा, एक शौक हो जाएगा बिल्कुल। वो ठंडी में होगा, डे नाइट में मजा है उस्ताद जी, अलग मजा, वो कहाँ मजा, वो मजा कहीं नहीं है, वो अलग मजा है। अब तो वैसे नो लिमिट टाइम ही उड़ने चाहिए कबूतर, क्योंकि लोगों ने अच्छे कबूतर बना लिए यार, लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी नस्लें आ गई, क्योंकि हर कहीं हर आदमी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, किसी के ना किसी के साथ है। और कोई सवाल है तो बताओ। एक छोटा सा बोलना जायज है कि नहीं पता नहीं है और आप बोल पाएंगे, बोलना जरूरी है, जो जवाब होगा देने लायक तो देंगे। एक छोटा सा नुक्ता पानी या खेल पानी या थोड़ा सा मतलब नया किसी उस्ताद या जो उड़ाता है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, नया पकड़ के चलिए, मैं उड़ा रहा हूँ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कबूतर, अच्छा उड़ता है ठंडी में 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कबूतर उड़ता है, कि गर्मी में 4 घंटा में कबूतर आके वो उसका चोंच ऐसा कर रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बताने वाली नहीं लेकिन आपने प्यार से पूछा इतने से तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सब भाइयों को मैं अपने बताता हूँ, अपनी पार्टी के जो मेरे शागिर्द हैं सबको पता है, जब भी कबूतर आप गर्मी में उड़ाते हो आपका कबूतर ऐसे मुंह फाड़ के आता है और ऐसे बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाता है, आपको लगता है कबूतर डैमेज हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कबूतर अंदर से जल चुका है, जो अंदर से पोटा होता है उसका जल चुका है, उसके लिए अनारदाना लो 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में अनारदाना भिगो रात के टाइम और सुबह खाली पेट उसमें से 15 ml पानी उसको दे के धूप में छोड़ दो आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए से। उसके बाद वो कबूतर कभी आपका मुंह नहीं खोलेगा, कभी ऐसे आके नहीं गिरेगा, अनारदाना होता सूखा वाला पंसारी दुकान पे, क्योंकि कबूतर अंदर से जल जाता है। वो कैसे जलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कबूतरबाज की लापरवाही होती है खिलाड़ी की, क्योंकि हम उल्टी सीधी चीज़ें देते हैं खाने में, सोचते हैं कि आज हम कैसे होगा, ये खिलाओ वो खिलाओ, कुछ गर्म चीज़ें कुछ ठंडी चीज़ें, तो अंदर से वो कबूतर जल जाता है। उस्ताद जी उसको बोला जाता है सूजन? नहीं सूजन नहीं, सूजन अलग है, सूजन वो तो पगुंदे में हो जाता है, नहीं वो यहाँ पे जाता है वो सूजन अलग है, उसका भी रीजन है, अगर आपका कबूतर तैयार नहीं है आपने उसको पानी दे दिया उस कबूतर के सूजन आएगी, वो कबूतर नहीं उड़ेगा।
90% नहीं उड़ेगा। अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आए कबूतर के अंदर तो आधी बैटना सॉल की गोली लो, कबूतर को दे दो और धूप में छोड़ दो, वो सूजन आपके कबूतर की वहाँ उतर जाएगी, उस बाद में फिर उड़ने लगेगा। हाँ, उसके बाद जब आप उड़ाओ उसे बगैर पानी के उड़ाना, वो सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसे पानी पी के उड़ा सकते हो। और कोई बात पूछनी है पूछ लो, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो शौक को आगे बढ़ाना है। जी जी, मैं कोई चीज़ अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता, सब यहीं बांट के जाना चाहता हूँ। सही चीज़ आपका भाई। नहीं उस्ताद जी आपने बहुत अच्छा, और उस्ताद जी एक लास्ट, जो नया कबूतर शौकीन जो सोच रहा है मैं जो कबूतरबाजी में आना है, मुझे कबूतर करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? देखो वो तो एक अच्छा, अगर कोई उसे अच्छा दोस्त मिल जाएगा या कोई अच्छा पड़ोसी मिल जाए कबूतर पालने वाला, या एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ही वो कबूतरबाजी करे। देखो वैसे तो अनाड़ी, तो तुम्हें पता है अनाड़ी तो अनाड़ी होता है, तो उसे जब तक अच्छा कोई टीचर नहीं मिलेगा उससे शौक, तभी आगे। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होता है, जिसको भी आप उस्ताद बनाओ विश्वास करके, एक साल दो साल उनके साथ क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो करो, उसको समझो। देखो आजकल क्या है, उस्ताद भी आजकल ऐसे हो गए जैसे स्टोर पे दवाई मिलती है ना, ऐसे उस्ताद मिलते हैं गली गली में। और उस्ताद आदमी को सोच समझ के बनाना चाहिए, एक ही बार बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में उस्ताद भी बड़े लालची लोग हैं, किसी लालच से ही अपने किसी शागिर्द बनाते हैं और उसके लालच का फ़ायदा उठाते हैं चुपके। लेकिन मेरा मानना है कि जिसको भी उस्ताद बनाओ आप, बढ़िया तरीके से बनाओ, ईमानदार उस्ताद बनाओ जो तुम्हें कबूतरबाजी में कुछ सिखा सके, उसे उस्ताद बनाओ। अगर आपके घर में कोई बड़ा भी कबूतरबाज है तो उसे भी बहुत ज्ञान है, उन्हें उस्ताद जी का दर्जा दो, उनसे सीखो। जिसने तुम्हारा कोई पड़ोसी अच्छा कबूतर अच्छा खिलाड़ी है तो आप उसे अपने दिल में उस्ताद का दर्जा दो। इंट्रोडक्शन देना है उस्ताद जी का। सभी को नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम, आफ्ताब पिजन प्लानेट से। आज बहुत खुशी का बात है, आज आए हुए हम लोग हमारे दिल्ली से, दिल्ली में बहुत दिलचस्प खिलाड़ी है, आप लोग जैसा कि जानते हैं उनको, उस्ताद अजय उस्ताद जी बहुत नामचीन है, तो उनको कुछ उनका वीडियो मैं कर रहा हूँ। ये उस्ताद जी का कुछ कबूतर का शौक कीजिए, मालवाई कबूतर देखिए, इस कबूतर का कारण देखिए, अभी उसमें दिखाता हूँ। देखिए नायाब, ये नर कबूतर है, नायाब नर कबूतर मालवाई, प्योर मालवाई। ये कबूतर 29 घंटे उड़ाता, फटफुटाई करके रखा है गर्मी में उड़ाने के लिए। ये मादिन कबूतर, नायाब परिंदा मलबाई, उड़ाने वाले ये मादिन, और ये जोड़े वाले ब्रीडिंग पेयर, ये ब्रीडिंग पेयर का मादिन, हाँ जोड़े वाले मादिन, और उस्ताद जी का जो जोड़े वाले जो मेन जर है वो नर यही है। ये सबसे पुराना बुड्ढा है, सबसे बड़ा कबूतर किससे ही है, लाल ना सारा चीज। हाँ, और उस्ताद जी का थोड़ा नजारा अच्छा, दिल्ली का नजारा बड़े उस्ताद जी का लॉफ्ट, जो हम लोग वीडियो में देखते थे इधर से बैठ के, उस्ताद जी इधर बैठते बैठा रहता था और इधर से कबूतर का शौक होता था, कबूतर आके रात में इधर बैठता है। हाँ,
एक दो कबूतर उधर बैठता है और सारा कबूतर नीचे, जो रात में हम देखते थे वही व्यूज देखिए। और ये आफ्ताब भाई कैसा लग रहा है? बड़े भाई बहुत अच्छा लग रहा है, दिनी तमन्ना जो था उस्ताद जी के यहाँ पे आने का आज। सही में देखिए इतना दिन तक हम लोग यूट्यूब में इतना वीडियो फोटो देखा मालभाई का, आज सही में दिल खुश हो गया। सही में उस्ताद जी, इतना दिल से हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखा मालभाई कबूतर का बात सुन रहा था, लेकिन आज दिल खुश कर दिया और इतना मेहनत से हम लोग आया, आज सारा थकान उतर गया उस्ताद जी। उस्ताद जी एक सवाल करना था, सवाल करना ये है, आप बहुत बड़े उस्ताद है, आप बहुत पुराने खिलाड़ी है, कुछ ऐसा वाकया बताइए जो आपके साथ कबूतरबाजी में हुआ, जो होनी नहीं था वो हो चुका, मतलब उड़ान के दौरान में, या दर्द दर्द भरी, दर्द भरी, मतलब एक दर्द भरी बोल दीजिए और एक खुशी का बोल दीजिए। समझ में नहीं आ रहा था जो कुछ वाकया हो गया आपके साथ। देखो मैं आपको बताऊं, कबूतरबाजी में चलता होता चलता रहता है ये, और मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि मेरे अपने लोगों ने मुझे ना खींचने की कोशिश करी, नीचे गिराने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मेरी नेक नियत और ऊपर वाले की आशीर्वाद से, और जो मेरे आप जैसे भाई हैं इतनी मोहब्बत मुझे करते हैं, आज भी मेरा मुकाम आप जैसे भाइयों की वजह से वजूद मेरा रुका हुआ है अपनी जगह, तो ये आप जैसे प्यार करने वाले लोगों की वजह से ही रुका हुआ है। बाकी तो कबूतरबाजी में जो अपने साथ होता वही खींचता है अपने आप से। सही बात है, वही आपको गिराने की कोशिश करेगा जो आपके साथ है। और खुशी की बात यह है कि जिस दिन कबूतर अच्छे उड़ जाते हैं तो उस दिन वाकई में दिल खुश हो जाता है, पूरा इंडिया भर से बधाई आ जाता है। देखो कबूतर, मैं फिर कह रहा हूँ, कबूतर उड़ाना बड़ी बात नहीं है, कबूतर का रखरखाव सबसे मेन चीज है, कबूतर का रखरखाव। अगर आपका कबूतर अच्छा रखरखाव में रह रहा है तो ऑटोमेटिक वो कबूतर उड़ जाएगा। ये बात भी सही है, डाइट के ऊपर भी डिपेंड, डाइट सारा कुछ। देखो ये पैसे का शौक रह गया, इसे बेचारा गरीब आदमी कितना खिलाएगा कितना पिलाएगा, वो दो चार पांच कबूतर उड़ा सकता है। अब क्या है, लोगों ने शौक को इतना बढ़ा दिया है, 50 कबूतर, 101 कबूतर, 51 कबूतर, 100-200 कबूतर तक पहुंच गए उड़ाने, तो ये हर किसी की बस की नहीं है। हम लोग भी इतना नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा 200 कबूतर बहुत हो जाते हैं, 50-71-101 तक तो सही है, सीमित अच्छा है शौक, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ जाए वो भी ठीक नहीं है, घर की बर्बादी। हर चीज़ का ज़्यादा अच्छा ज़्यादा ज्यादा ज्यादा इसे बर्बादी का घर समझो। हाँ बस मेरा कुल मिला के ये अपना शौक पूरा करो, 25 कबूतर, 51 कबूतर, 101 कबूतर तक सही है, और बाकी जब दिल जीतते हैं तो दिल खुश होता ही है आपका भाई। उस्ताद जी अभी और एक सवाल मैं करूंगा, पहले आपने बंगाल के बारे में पूछता था, जानते थे, और अभी 5 साल बाद आज बंगाल का हालात कहाँ पर है कबूतरबाजी? देखो बंगाल तो मेरी नजर में, मैं जो अपने आप को सोच बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे खिलाड़ी नहीं देखे, इतने ईमानदार खिलाड़ी, इतने इज्जत करने वाले। चीटिंग नाम की तो वहाँ चीज़ ही नहीं है, चीटिंग होती क्या ये नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद शौक देखा हुआ आफ्ताब भाई वहाँ पे जाके, मैं उस्ताद गुड्डू के साथ गया था वहाँ पे, पप्पू भाई के यहाँ, मैंने शौक देखा था, आप लोग क्या जीने से नीचे उतर जाते ताला लगा छत के ऊपर, कोई नहीं कबूतर तुम्हारा उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो ये मेरी नज़र में एक, मैं मतलब इज्जत इसीलिए करता हूँ ज़्यादा खिलाड़ियों की वहाँ पे, कि ये लोग ईमानदारी से कबूतर उड़ाते हैं, इन्हें हर चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने जो डे नाइट पिछले साल उड़ाई थी उसमें मैंने देखा था, उल्लास भाई ने एक कबूतर सुबह 4 बजे कैंसिल करा, मेरे ख्याल से 4 बजे या 5 बजे के आसपास वो बराबर में बैठ गया था। लेकिन ये देखो कि कितनी ईमानदारी भरी हुई है वहाँ के खिलाड़ियों में, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जय बंगला, जय बंगला। जय बंगला इसीलिए बोलता हूँ भाई। उस्ताद जी उस दिन क्या हुआ, एक ही कबूतर लास्ट रह गया था, मैं उधर सुपर जज में था, तो वो घर के बगल में एक दूसरा आदमी का तावा था, उसमें बैठ के तुरंत उड़ के आ गया, आके घर में बैठ गया। तो वो मैंने वीडियो बनाया और ग्रुप में डाल दिया, अगर मैं वो छुपा जाता तो किसी को पता नहीं चलता किसी को।